हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपसे प्लाजो कटिंग के ऊपर वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो मैं एक्सेल साइज के प्लाजो के ऊपर बना रही हूँ और सेम इसी मेथड से आपको एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल साइज़ की जो प्लाजो कटिंग करनी है वो सेम इसी मेथड से करेंगे। तो आपको जो प्लाजो में जो दिक्कतें आती हैं बनने के बाद वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और इस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस तरीके से नीचे वाली साइड। मैं ये एक्सेल साइज़ का प्लाजो कट कर रही हूँ तो इसका मेजरमेंट आपको ये सामने दिख रहा होगा, तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्लाजो को कट करूँगी। तो मैं यहाँ पर पेन स्टाइल प्लाजो कट करके आपको बता रही हूँ, तो आप चाहे इसके जो मोड़ी है वो लूज़ रख सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और इस पर हमने प्लाजो के आगे वाली साइड को कट करना है। और यहाँ पर बंद वाली फैब्रिक की साइड है और ये ओपन वाली साइड रहेगी फैब्रिक की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी के साथ 2 इंच के मार्जिन पर एक और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक हो गया है और अब फोल्डिंग वाली मार्किंग के ऊपर से हमें इस तरीके से लेंथ का निशान लेना है। लेंथ मैं यहाँ पर कट करूँगी 33 पर, 34 हमारी तैयार लेंथ होगी, 1.5 इंच हमारी ऊपर बेल्ट आ जाएगी और 1/2 इंच हमारा ऊपर फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए हमें टोटल लेंथ में से 1 इंच कम करना है। ऊपर इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है टोटल लेंथ की। अब यहाँ पर जो पोंछे वाली साइड है और पोंछे वाली साइड से जो बंद वाली साइड रहेगी, इस तरीके से हमें 2 इंच के अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। और यहाँ पर हमने जो 2 इंच की मार्किंग की है, मार्किंग से अंदर की तरफ हमें जितना पोंछा चाहिए पोंछे का निशान हमें लेना है। यहाँ पर मैं 8 इंच का पोंछा रख रही हूँ, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पोंछे वाली साइड पर मैंने यहाँ से 2 इंच के मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पर हमने जो लेंथ का निशान लगाया था, इस निशान पर हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है इस तरीके से। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। और मार्किंग होने के बाद हमें ऊपर वाली साइड से कमर का निशान लेना है। कमर का निशान लेने के लिए जितना भी आपका हिप अराउंड है उसको आपने डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। यहाँ पर मेरा हिप अराउंड है 42 और 4 से डिवाइड करने पर हमारा हिप अराउंड आ रहा है 10.5। 10.5 में 1 इंच आपको प्लस कर लेना है जो कि दोनों साइड में सिलाई में दबेगी। हिप की मार्किंग के बाद अब हमें क्रॉच एरिया यानी कि आसन का निशान लेना है। आसन के निशान के लिए जितना भी आपका हिप अराउंड है उसको आपने 3 से डिवाइड कर लेना है और 3 से डिवाइड करने पर हमारा हिप अराउंड आ रहा है 14 और इसमें से हमें 3 इंच कम कर लेने हैं यानी कि 11 इंच पर हमारे क्रॉच एरिया की मार्किंग आएगी। डिवाइड करने पर आपका जो भी नंबर आ रहा है उसमें आपने 3 इंच कम कर लेने हैं। आगे का आसन हमारा हमेशा कम रहता है तो यहाँ पर हमें एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर बैक वाली जो साइड है यहाँ से भी हमें 11 इंच पर मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद दोनों निशानों को एक स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में जोड़ देंगे। और अब यहाँ आगे वाली साइड से हमें 3 इंच पर क्रॉच एरिया की गुलाई देनी है। क्योंकि मैं एक्सेल साइज़ का प्लाजो बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर गुलाई 3 इंच पर दे रही हूँ। अगर आपको मीडियम साइज़ का प्लाजो कट करना है तो आपको गुलाई 2.5 इंच पर देनी है। अगर आप स्मॉल साइज़ का प्लाजो कट कर रहे हो तो यहाँ से गुलाई आपको 2 इंच की देनी है। हमने 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग ली है। अब इस मार्किंग को हमें बीच में इस तरीके से गुलाई दे देनी है और यहाँ पर हमारे क्रॉच एरिया की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाले निशान को नीचे वाले जो पोंछे वाले निशान के साथ आपस में हमें जोड़ देना है और रेंची टेप को थोड़ा आपने अंदर की तरफ मोड़ के रखना है ताकि हमारे प्लाजो की प्रॉपर शेप आ सके। तो प्लाजो के आगे की जो हमारी साइड की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे कट कर लेंगे। प्लाजो की आगे की साइड कट करने के लिए आपको हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपके जो भी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका हिप अराउंड आ रहा है उसमें सिर्फ आपको 1 इंच ऐड करना है। दूसरा, आपको आसन हमेशा आगे का कम रखना है तभी आपकी प्लाजो की प्रॉपर शेप आएगी। आगे वाली साइड की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब बैक वाली साइड को कट करने के लिए बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से साइड में कर दिया है। बैक साइड कट करने के लिए सिर्फ आपको 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है और जो आगे वाली साइड को हमने कट किया था इस तरीके से ऊपर सेट कर लेंगे और नीचे वाली साइड को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और आसन वाली साइड को फोल्डिंग कपड़े से 1/2 इंच अंदर की ओर रखना है। और बैक साइड में जो लूजिंग ऐड करेंगे वो इस तरफ से लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ से हमारा जो आगे का आसन है बिल्कुल यहीं से हमने बैक वाले आसन का निशान भी लेना है।
और हिप अराउंड को डिवाइडेड बाय 3 करने पर हमारा आसन आ रहा था 14 इंच, तो 14 इंच पर हमने बैक आसन की मार्किंग करनी है, यानी कि पीछे का आसन हमें 3 इंच ज़्यादा रखना है आगे वाले आसन के अकॉर्डिंग। अब इस निशान को बैक वाले निशान के साथ इस तरीके से हमें मिला देना है। आप जब भी बड़े साइज़ का प्लाजो कट करें तो बैक वाली साइड को आपने 3 इंच ज़्यादा लेना है, अगर मीडियम साइज़ है तो आप 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं। तो हमारे आसन का निशान लग चुका है और इस तरफ हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है यहाँ से हमने बैक साइड पर लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि आगे वाली साइड तो हमने पूरी कट की थी, बैक वाली साइड पर हमने इस तरीके से 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो ऊपर वाली साइड पर मैंने यहाँ से 2 इंच की मार्किंग की है और नीचे वाली साइड से हमें यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करनी है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच की मार्किंग करते जाना है। इस निशान तक हमें ऐसे ही 1.5 इंच पर मार्जिन लेंगे और इस निशान से ऊपर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो अब हमने स्केल लेना है, स्केल के साथ जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग को इस तरीके से स्केल के साथ हमें स्ट्रेट कर देना है। तो बैक साइड की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। सो फ्रेंड, आज मैंने आपसे प्लाजो कटिंग के ऊपर बहुत ही इजी सा मेथड शेयर किया है। इस मेथड से आप किसी भी बड़े साइज़ के प्लाजो को इजीली कट कर पाएंगे बिना किसी ज़्यादा नाप तोल किए बिना। तो दोनों साइड की कटिंग हमारी हो चुकी है। दोनों साइड कटने के बाद मार्जिन के लिए हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशानों को बैक वाली साइड पर भी कॉपी कर दें। अब ऊपर वाली साइड पर हमने जो बेल्ट अटैच करनी है उसके लिए हमें एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है। तो बचे हुए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, 1.5 इंच की हमारी बेल्ट होगी और 4 इंच चौड़ा मैं यहाँ पर कपड़ा कट कर लूँगी। इस तरीके से आपको एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है बेल्ट के लिए इसको। तो ऐसे हमारी ऊपर बेल्ट आ जाएगी 1.5 इंच की। आगे वाली साइड पर मैं इसमें बुकरम डालूँगी और बैक वाली साइड पर हमारी इलास्टिक आएगी। और यहाँ पर हमारी कंप्लीट कटिंग होने के बाद मैं आपको इसे जोड़ने का आसान तरीका भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि आसन वाली साइड है, पहले आपको दोनों साइड के आसन की सिलाई लगा लेनी है। आगे और पीछे वाली साइड पर पहले आप सिलाई लगा लें, इसके बाद आपको साइड की सिलाई लगा लेनी है, फिर आपने नीचे वाली साइड को फोल्ड कर लेना है और इसके बाद आपने बेल्ट अटैच कर लेनी है और लास्ट में आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।